कि आप यहाँ आए हैं, आपने प्रचार करा डोर टू डोर, क्या जनता क्या समर्थन मिल रहा है? केंद्र सरकार की 7 साल की योजना, राज्य की 5 साल की योजना, भैया ये दोनों लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर, आशीर्वाद लेकर पुनः सत्ता बनाऊंगा, सरकार बनाऊंगा, फिर गरीबों की सेवा करूंगा। 5 साल की पहले की क्या स्थिति थी, बिजली नहीं आती थी, राज्य के अंदर अराजकता था, सप्ताह में 4-5 दंगे होते थे, माहौल खराब था, राज्य के अंदर लोग पलायन करते थे, दंगे होते थे, इस कारण बेटियां सुरक्षित नहीं थी, सबसे अधिक महिलाएं इसका दंश भोग रही थी। योगी जी के शासन के 5 साल आने के बाद आज खुशहाल है, आज शांति है, न दंगा 5 साल में कोई हुआ है, न किसी प्रकार के गुंडागर्दी, आज कंट्रोल है। महिलाएं 12 बजे रात को भी शादी समारोह से अपने घर पहुंच सकती हैं, सुरक्षित हैं, और कुल मिलाकर वह भय समाप्त हुआ है। तो सभी जनता जनार्दन जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, केवल सभी महिलाएं धर्म से ऊपर उठकर सभी महिलाएं मोदी योगी के लिए मतदान के लिए, और इसमें महिलाओं ने कमर कस लिया है कि इस बार केवल महिलाओं के दम पर आम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बने। फिर गठबंधन के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले भी जाट बीजेपी के साथ था, आज भी है, 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी जाट बीजेपी के साथ है, और हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी, अखिलेश ने कहा है कि कंप्रेशन नहीं है, राज्य के अंदर अराजकता समाप्त कर दिया है, गुंडों के प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चल रहा है, एक हाथ में विकास का एजेंडा, एक हाथ में गुंडों के लिए बुलडोजर, ये पहली बार ऐसी सरकार। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।